और ये सिंध गवर्नमेंट का भाई नालत है। बड़ा ट्रैफिक यहाँ से जा नहीं सकता। चारों तरफ से एक बाजार भी है और लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। हैदराबाद के दिल कोहिनूर चौक पर अरसा दराज से मौजूद गढ़े शहरियों के लिए वबाले जान बन गए, जबकि होमस्टेड हालचाड़ी की हालत इजार भी इंतहाई अबतर है। आए रोज यहां पर सेवरेज का पानी जमा हो जाता है, जबकि गढ़ों के बाइस हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं, जबकि सूरत हाल के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी अक्सर मुतासर हो जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस अहम मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से रोड ही नहीं बन रहा है ना। यहाँ पे मेन रोड है ये हैदराबाद का, इसको तकरीबन पक्का किले का रोड भी यहीं से आ रहा है, रेशम गली का रोड भी यहीं से आ रहा है, और तमाम रोड यहां से मतलब ठीक ठाक। मैं समझता हूं कि पूरे दिन के अंदर यहां से 1,00,000 गाड़ियों की आमद और रफ्त हो जाती होगी, लेकिन ये इतने दिन से हम देखे आ रहा है कि रोड ही नहीं बन पा रहा है, जिसके ज़्यादा तमाम लोग एम्बुलेंस परेशान हो रही होती है यहाँ के अंदर, लोग इलाका मकीन रोजाना परेशान होते हैं। खुदाया मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इससे पहले भी ये काम कर रहे थे 11 रबीउल शरीफ से पहले, जब भी इन्होंने खोदा था लाइन वगैरह डाल लेते, लेकिन अब भी सूरत हाल ऐसी है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ से उतरने में काफी तकलीफ होती है होमस्टेड हाल की चाड़ी से, वो भी सारा खोदा हुआ है। बड़ा ट्रैफिक यहाँ से जा नहीं सकता, सारी रश वहाँ पे दरगाह की शरीफ की चाड़ी के ऊपर हो रहा है, वहाँ पे 11वीं शरीफ की महफिलें भी चल रही है, इस हवाले से बड़ा यहाँ पे परेशान है। तो हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द इस काम को पाए तक मिल तक पहुँचाएं। एक हफ्ता हुआ है परेशान है, मैं जब से यहाँ से आ रहा हूँ एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते से रश पानी के सूरज के पानी की वजह से जो है लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकरीबन आगे से गाड़ी खड़ी हुई है। ये तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड बनाए, और आवाम बहुत परेशान हो रही है इसकी वजह से। चारों तरफ से एक बाजार भी है और लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए, हम अपील करते हैं कि ये रोड बनाए। ये रोड देखो कितने आदमी को परेशानी हो रही है, कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, लेकिन इनको कोई सुनने वाला नहीं है। और ये दिन के अंदर काम करते हैं, रात में इनके पास काम करने वाली मशीनरी नहीं है, ये काम होता है रातों के अंदर, ये दिनों के अंदर काम करते हैं भाई। इन्होंने तंग कर रखा है, और ये सिंध गवर्नमेंट का भाई नालत है।